नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आज की जो हमारी कंपनी है वो है सिनकॉम फॉर्मुलेशन। अगर इस कंपनी की बात करें तो इनका मार्केट कैप है 505 करोड़ का, जबकि अगर इनके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है 2 रुपये का। अगर पी की बात करते हैं तो 19.6 पे चल रहा है, जबकि अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो 30.5 का चल रहा है। अगर वहीं कंपनी के ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देखेंगे उससे पहले जो डेप्ट है 6.76 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है। कैश की बात करते हैं तो -2.26 करोड़ का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, यानी माइनस में है। अगर कंपनी ऑल टाइम चार्ट की बात करते हैं तो आप देखेंगे यह कंपनी जो कि 12 रुपए को टच करके वहां से गिरते हुए अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी फिर से 6.5 रुपए तक पहुंच चुका है। तो क्या यह कंपनी यहां से और ऊपर जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कंपनी की ग्रोथ की। तो आप देखेंगे 10 साल में 23%, 5 साल की बात करते हैं तो 25%, 3 साल में आपको 73% और 1 साल में आपको 602% तक का डिटेल देखने को मिलेगा। यानी पिछले 3 साल के बाद का जो डेटा देखने को मिला है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछले 3 सालों से यह कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इस कंपनी के साथ थोड़ा सा आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर 1 साल के रिटर्न की बात करते हो तो 600% के आसपास का रिटर्न, जबकि 1 महीने में यह कंपनी 68% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अगर कंपनी के हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में आप देखेंगे यह शेयर लगातार अपने अपर सर्किट चला था, बीच में छोटी सी करेक्शन आई, उसके बाद यह कंपनी फिर से अपने अपर सर्किट पर चलने लगा। वहीं RSI की बात करते हो तो 88 का RSI चला, यानी कि ये कुछ ज्यादा ही ओवरबॉट पहुंच चुका है। 90 के आसपास जाता है तो जाहिर सी बात है ओवरबॉट का लेवल भी आपको कुछ हाई लगने लगेगा। तो ऐसे में इस शेयर में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर इस शेयर को होल्ड करना चाहिए? दोस्तों, आप चाहें तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यानी 30% की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर 50% की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 50% आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर प्रॉफिट बुकिंग आपने नहीं किया और इसमें लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया तो आपके जो बने बनाए प्रॉफिट है वो तो जाएंगे जाएंगे और साथ के आपका जो कैपिटल है वो भी जा सकता है। क्योंकि दोस्तों पैनी शेयर है, बहुत छोटे शेयर्स हैं, 5 रुपये 7 रुपये वाले शेयर्स हैं, तो ऐसे में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उन्हें पता होता है कि इस शेयर को कहाँ तक ले जाना है और कहाँ पे छोड़ना है ताकि ये शेयर अगेन फिर से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सके। तो ऐसे शेयर्स में थोड़ा सा आपको अपनी चालाकी का यूज़ करना चाहिए और उसके साथ ही इसमें प्ले करना चाहिए। सिर्फ आप इसमें ये ट्रस्ट कर लेंगे कि नहीं, इस शेयर को तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखा है। दोस्तों, छोटे शेयर्स कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदे जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। तो ऐसे शेयर्स में थोड़ी सी चालाकी के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करते रहना ज़्यादा बेटर है। तो देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि ये शेयर कुछ ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है और आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है तो ऐसे में लोअर सर्किट भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आपको कल के कल लोअर सर्किट लगना दिख जाएगा या फिर हफ्ते भर लगने में दिख जाएगा, बीच में थोड़ा बहुत तो आपको और तेजी देखने को मिलेगा ही। तो उस तेजी को भी अगर आप वेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। लेवल क्या होगा, 7.20 रुपये के आसपास का पहला लेवल बनता है, जहां तक ये शेयर जाकर वहां से अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, या फिर अगेन 7.50 रुपये के आसपास का एक लेवल और है जो कि 6 रुपये के रेंज का है, 6.75 रुपये। अगर ये लेवल तोड़ देता है, यानी 6.75 रुपये का लेवल तोड़ता है, तो उसके बाद 7.20 रुपये का लेवल और 7.50 रुपये का लेवल आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। अगर ये लेवल नहीं तोड़ पाता, 6.75 रुपये का लेवल नहीं तोड़ता है, तो ये शेयर जल्दी आपको ट्रेंड चेंज करके यानी कि लोअर सर्टिफिकेट में लगना दिख जाता है। तो दोस्तों, ऐसे शेयर्स में बहुत ज़्यादा आपको बुलिश होने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना होता है, थोड़ा सा चालाकी यूज़ करना होता है और उसी के साथ ऐसे शेयर्स को आप प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।